और अहम जानकारी के साथ करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। पीएम मोदी की मां हीराबा का निधन हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, पीएम मोदी की मां हीराबा का निधन हो गया है। 100 साल की उम्र में ही हीराबा ने अंतिम सांस ली है। अहमदाबाद के अस्पताल में अंतिम सांस ली है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी है। पीएम ने लिखा है, शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। करा रहे हैं पीएम मोदी की मां हीराबे का निधन हो गया है। 100 साल की उम्र में अंतिम सांस लिया है। अहमदाबाद के अस्पताल में हीराबा ने अंतिम सांस लिया है। सुबह 3:30 बजे अस्पताल में अंतिम सांस लिया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर मां को श्रद्धांजलि अर्पित किया है। लिखा है, शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में। मां में हमेशा त्रिमूर्ति दिखता है। अलग अलग दिग्गज नेता पीएम मोदी की मां को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हीराबा का 100 साल की उम्र में निधन हुआ है। ये बहुत ही दुखद खबर है। करीब सुबह 3:30 बजे हीराबा ने अंतिम सांस लिया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर मां को श्रद्धांजलि दिया है। 100 साल की उम्र में हीराबा ने अंतिम सांस लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू कराए हैं। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त की बड़ी खबर, पीएम मोदी की मां ने अंतिम सांस ली है। 100 साल की उम्र में पीएम मोदी की मां हीराबा ने अंतिम सांस ली है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर मां को श्रद्धांजलि अर्पित की है। पीएम ने अपने ट्वीट में लिखा है, शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। हमारे साथ हमारे आउटपुट हेड वरुण गोयल जी जुड़ चुके हैं। वरुण जी, इस वक्त बहुत ही दुखद खबर आ रही है। पीएम मोदी की मां हीराबेन की निधन हो गई है। क्या कुछ जानकारी है? देखिए, खबर आई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा मोदी का शुक्रवार सुबह निधन हुआ है। और अहमदाबाद के यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी रिसर्च सेंटर में जो हेल्थ बुलेटिन जारी हुआ उसके मुताबिक बिल्कुल सुबह 3:30 पर, सुबह 3:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली है। और 2-3 दिन पहले यानी मंगलवार देर रात को उन्हें भर्ती कराया गया था अस्पताल में। उन्हें सांस लेने में तकलीफ थी, ये जानकारी मिली थी। उसके बाद जो मेडिकल बुलेटिन आया था उसमें बताया गया था कि उनकी हालत स्थिर है। और फिर ये मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ कि 3:30 पर आज सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। वो सीधे गांधीनगर के रायसन में जो उनके भाई हैं पंकज मोदी, जहां पर हीराबेन रहती थी, वहां पर पहुंचेंगे। और वहीं से अब से कुछ ही देर में हमें बताया जा रहा है कि अगले 15 से 20 मिनट में या फिर 8:30 बजे तक जो अंतिम यात्रा है वो शुरू होगी। और जो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई है पंकज मोदी जी, उनके घर से लगभग 5 किलोमीटर दूर सेक्टर 30 स्थित जो शमशान घाट है वहां पर ये अंतिम यात्रा पहुंचेगी, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सुबह लगभग 6 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर हीराबा के निधन की जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तबीयत खराब हुई तब भी अस्पताल पहुंचे थे, मिलने पहुंचे थे। वो उससे पहले जब उनकी माता जी का 100वां जन्मदिन था तब भी वो पहुंचे थे। और जब भी उन्हें अवसर मिलता था, अभी गुजरात चुनाव के समय भी वो अपनी माता जी से मिलने पहुंचे थे। जो गुजरात के गृह राज्य मंत्री है हर्ष सांघवी, वो सुबह सुबह वहां पहुंच चुके हैं, घर पर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। पुलिस बल तैनात किया गया, हालांकि बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल होगा ऐसा लगता नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट करके दुख जाहिर किया है। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, ये सभी ट्वीट कर दुख जाहिर कर रहे हैं। और बुधवार को ही प्रधानमंत्री अहमदाबाद पहुंचे थे
और लगभग वो 1.5 घंटे तक अस्पताल में रहे थे और उन्होंने डॉक्टरों से बातचीत की थी, अपनी माँ की तबीयत के बारे में जानकारी ली थी, इलाज के बारे में जानकारी ली थी। उससे पहले 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री जो है वो अपनी माता हीराबेन से मिले थे। 100वें जन्मदिन पर भी 18 जून को वो अहमदाबाद पहुंचे थे। तो और वो जब वो 100वां वर्ष था तो उन्होंने एक ब्लॉग लिखकर भी अपनी माता जी के से जुड़े हुई जानकारियां लिखी थी। वो उन्हें एक बार अपने दिल्ली स्थित जो प्रधानमंत्री आवास है वहां पर भी लेकर आए थे। तो प्रधानमंत्री का बड़ा अटैचमेंट रहा है और किसी भी पुत्र का अपनी माँ से एक जो अटैचमेंट रहता है। लेकिन ये दुखद खबर आज सुबह आई है, प्रधानमंत्री अहमदाबाद पहुंच चुके हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। और अब से कुछ ही देर में जब वो पहुंचेंगे अपने भाई पंकज मोदी के घर पर, और वहां से बताया ये जा रहा है कि ठीक 8:30 बजे जो अंतिम यात्रा है वो शुरू होगी, और उसके बाद जिस तरीके से जो सेक्टर 30 स्थित शमशान घाट है वो वहां पर पहुंचेगी, और जो गुजरात के मंत्री हैं, नेता हैं, वो भी वहां धीरे धीरे पहुंचने शुरू हो गए हैं। ये तमाम जानकारियां जो है वो इस वक्त मिल रही है। और इसके अलावा एक जानकारी ये भी थी कि जो प्रधानमंत्री की माता जी की पार्थिव देह है वो अभी अस्पताल से घर लाई जा चुकी है, और उसके बाद अब बस इंतजार ये है कि प्रधानमंत्री वहां पहुंचे, और उसमें बहुत समय लगने वाला नहीं है। और खुद प्रधानमंत्री ने ही सुबह 6 बजे के आसपास ही ट्वीट करके ये जानकारी दी थी कि उनकी माता जी का निधन हो गया है। देश भर से राजनेता जो है वो अपनी संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं, और जिस तरह गृह मंत्री अमित शाह ने भी पीएम मोदी की मां के निधन पर दुख व्यक्त किया, और जो जानकारियां जो है जो जो स्मृति है उन्हें साझा किया है। तो अब ये जो तमाम जानकारियां हैं वो आनी शुरू हो चुकी हैं, और जेपी नड्डा ने भी शोक व्यक्त किया है। राहुल गांधी ने 2 दिन पहले कहा था कि प्रधानमंत्री जी इस घड़ी में हम आपके साथ हैं, जब उनकी माता जी अस्पताल में भर्ती हुई थी। तो अब से कुछ देर में अंतिम यात्रा निकलेगी, और ये जानकारी फिलहाल हमारे पास आ रही है। सुबह 3:30 बजे का समय जब यूएन मेहता अस्पताल जो है उसने ये जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता जी का निधन हो गया है, और ये जो जो उनके भाई है पंकज मोदी वहीं पर उनकी माता जी रहती थी, और बताया जाता है कि बहुत ज्यादा कोई तामझाम उस तरह की व्यवस्था वहां नहीं की गई है, कुछ थोड़ी बहुत पुलिस लगाई गई है व्यवस्था बनाने के लिए। और ये गांधीनगर में रायसन है, ये जगह है रायसन जहां पर पंकज मोदी का घर है, वहां पर उनकी माता जी की पार्थिव देह जो है वो पहुंच चुकी है। और अब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि बस कुछ ही देर में जो है जो लोग हैं वो झुकने शुरू हो गए हैं, घर के आसपास काफी संख्या में लोग दिखाई देने लगे हैं, और धीरे धीरे वहां पर लोगों का झुकने का जो जुट रहे हैं, लोगों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। सुबह 3:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली, अहमदाबाद के अस्पताल यूएन मेहता कार्डियोलॉजी सेंटर में उनका निधन हुआ है। मंगलवार की रात को उन्हें भर्ती कराया गया था, और हम कुछ और तस्वीरें भी देख रहे हैं उनके घर के बाहर की, उनके अपार्टमेंट के बाहर की जहां पर वो रहती थी, वहां पर जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में पहुंचने शुरू हो गए हैं, और देश भर से जो नेता है उनके संवेदना के जो ट्वीट है वो सामने आ रहे हैं, वो अपना दुख जो है वो जाहिर कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरह का अटैचमेंट रहा है अपनी माता जी के प्रति, और जैसा हमने बताया कि अभी जब अस्पताल में भर्ती हुई थी तब भी प्रधानमंत्री 1.5 घंटे के लिए अस्पताल में रहे थे, 4 दिसंबर को जब वोट डालने गए थे तब भी वो अपनी माता जी से मिलने गए थे, उनकी माता जी के 100 वर्ष जब पूरे हुए थे तब भी वो अपनी माता जी से मिलने गए थे, और प्रधानमंत्री अपने जन्मदिन पर भी हमेशा लगभग ये तस्वीर आई है कि अपने जन्मदिन पर भी जब प्रधानमंत्री का जन्मदिन आता है 17 सितंबर को, तब भी प्रधानमंत्री हमेशा अपनी माता जी का आशीर्वाद लेने अहमदाबाद जाते रहे। कुछ पुरानी तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं, जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बने तब, यानी कि उन्होंने गुजरात छोड़ा और वो दिल्ली आए तब की भी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। एक बार जब वो लाल चौक श्रीनगर में तिरंगा फहराकर वापस लौटे थे तब की तस्वीरें भी सामने आती है, जब उनकी माता जी ने उन्हें तिलक किया था। तो ये तमाम वो बातें हैं जो अब जहन में घूम भी रही हैं, और क्योंकि उन्होंने 100 वर्ष का एक लंबा जीवन जिया, और 100 वर्ष का ऐसा जीवन
जो संघर्षों से भरा तो था ही था, लेकिन 100 साल की जीवन यात्रा में उन्होंने अपने बेटे को ऊंचाइयों तक जाते हुए देखा, श्रेष्ठता तक पहुंचते हुए देखा। तो और वो संघर्षपूर्ण जीवन की बातें प्रधानमंत्री कई बार बताते हैं, वो याद आता है जब फेसबुक के हेडक्वार्टर अमेरिका प्रधानमंत्री गए थे और अपनी माँ का जिक्र करते हुए उनका गला रुंध गया था, वो भावुक हो गए थे, उनके शब्द नहीं निकल रहे थे, जब वो बता रहे थे कि उनकी माता जी ने कैसा संघर्षपूर्ण जीवन जिया है। तो वो 100 साल की जो यात्रा रही है, एक सफल यात्रा जो संघर्षों से तप कर यहाँ तक पहुंची और उनके बेटे प्रधानमंत्री बने देश के और कामयाब प्रधानमंत्री बने, तो वो एक यात्रा विराम, उस यात्रा का विराम हुआ है। जैसा कि प्रधानमंत्री ने खुद अपने ट्वीट में कहा है, तस्वीरें सामने आ रही हैं उनके घर आवास के बाहर की, जहाँ थोड़ी सुरक्षा इस वक्त बढ़ी हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद से गांधीनगर पहुंच गए हैं, यानी प्रधानमंत्री गांधीनगर आ गए हैं, तो इसका मतलब ये माना जाए कि अब से कुछ ही देर में जो अंतिम यात्रा है वो शुरू होगी। प्रधानमंत्री मोदी की माता जी का अंतिम संस्कार अभी आज ही होगा, ये भी स्पष्ट हो चुका है। और प्रधानमंत्री गांधीनगर वाले घर में पहुंच चुके हैं, जहां पर पार्थिव देह उनकी माता जी की रखी हुई है। ये अंतिम संस्कार भी आज ही होना है और ये बताया जा रहा है कि थोड़ी ही देर में अंतिम यात्रा भी शुरू हो जाएगी। जी, तो जैसा कि आप सुन रहे थे, हमारे आउटपुट हेड बता रहे हैं कि किस तरह से पीएम मोदी का अपनी माँ से, हीराबेन से अटैचमेंट था, जिस तरह से हर मौके पर मोदी जी पहुंच रहे थे अपने माँ से आशीर्वाद लेने के लिए। तो आउटपुट हेड हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण जी, जिस तरह से पीएम मोदी का अटैचमेंट देखा जा रहा था, कई मौके पर अपनी माँ के पास आशीर्वाद लेने पहुंच रहे थे, पीएम मोदी के लिए काफी दुखद खबर है वैसे। देखिए, किसी भी पुत्र के लिए इससे दुखद खबर नहीं होती है कि चाहे उम्र कोई भी हो, माँ का साथ छूट जाना उससे दुखद खबर नहीं होती है। और माँ के लिए बच्चे कभी बड़े नहीं होते हैं, बच्चे बच्चे ही रहते हैं। और वो दिखता था जिस तरीके से, चाहे वो प्रधानमंत्री ने जिक्र भी किया था एक बार कि वो इस उम्र में भी कुछ खिलाने के बाद रुमाल से उनका मुंह साफ करती थी, यानी वो किसी भी पद पर हो या वो कितने ही बड़े हो जाए, माँ के लिए बच्चे बच्चे ही रहते हैं। और ये अब तस्वीरें जो हमारे दर्शक देख पा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, ये तस्वीरें हैं गांधीनगर स्थित उस घर की, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, जहाँ पर उनकी माता जी की जो पार्थिव देह है वो रखी हुई है, जिन्हें अस्पताल से लाया गया। जब अस्पताल ने 3:30 बजे इस बात का मेडिकल बुलेटिन जारी करके जानकारी दी कि उनकी माता जी अब नहीं रही हैं। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो घर की तस्वीरें हैं, यानी प्रधानमंत्री अहमदाबाद पहुंचे, अहमदाबाद से गांधीनगर और गांधीनगर से अब उस घर में आ चुके पहुंचे। ये प्रधानमंत्री के जो छोटे भाई है पंकज मोदी, उनका घर है, पंकज मोदी का घर है, जहाँ पर प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। और ये माना जा रहा है कि थोड़ी ही देर में जो अंतिम यात्रा है वो भी प्रारंभ होगी, जो सेक्टर 30 स्थित शमशान घाट जाएगी, जहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। यानी कि ये हम कह सकते हैं कि आज ही अंतिम संस्कार होना है। और आज और देश भर के जो नेता है उनके जो श्रद्धा सुमन है वो अर्पित किए जा रहे हैं, सभी अपना जो शोक है वो व्यक्त कर रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हों, चाहे वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हों, गृहमंत्री अमित शाह हों, आसाम के मुख्यमंत्री हों, सभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सभी ट्वीट करके ये अपने जो शोक श्रद्धांजलि संदेश है वो व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन जो हम बात बता रहे थे प्रधानमंत्री मोदी की माता जी, जिनका जिक्र प्रधानमंत्री अक्सर करते हैं और बताते हैं किस तरह का संघर्षों का जीवन रहा है, किस तरीके से वो तालाब में जाकर जब वो कपड़े धोती थी और चाहे वो कुएं से पानी निकालना हो, एक बात उनके बारे में कही जाती है कि वो घरेलू जो नुस्खे होते हैं उनको अपनाती थी, और वो नुस्खे इतने प्रसिद्ध थे कि आसपास के लोग भी उनसे उनके बारे में पूछने आते थे। और इसीलिए एक ये उनकी एक लंबी उम्र का राज भी बताया जाता रहा कि वो जो घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल करती थी, इसके लिए वो उनकी प्रसिद्धि थी आसपास के क्षेत्र में। और उनके जो भाई हैं पंकज मोदी, वो जब तक सरकारी नौकरी करते थे तो एक सरकारी क्वार्टर में रहती थी, और लोगों को तो बहुत समय बाद पता लगा था कि प्रधानमंत्री के भाई जो है वो एक सरकारी नौकरी करते हैं। और उसके बाद अब
वो इस घर में शिफ्ट हुए थे जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। तो ये तस्वीरें हमारे दर्शक टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, दो तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री अहमदाबाद पहुंचे थे और अहमदाबाद पहुंचने के बाद वो वहां से गांधीनगर आए, और एक दूसरी तस्वीर हम दिखा रहे हैं जिसमें गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी जो है वो सुबह सुबह ही वहां पहुंच गए थे व्यवस्थाएं देखने के लिए। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं जो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल वो एयरपोर्ट पहुंचे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खबर सुनते ही अहमदाबाद पहुंचे, अहमदाबाद से वो गांधीनगर आ गए हैं। तो गांधीनगर की तस्वीरें हमारे दर्शक टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता जी की पार्थिव देह इस घर में रखी हुई है। प्रधानमंत्री के भाई पंकज मोदी का आवास है और प्रधानमंत्री यहां पर पहुंच चुके हैं। और सुबह 6:02 पर प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया था, ये जानकारी दी थी कि उनकी माता जी का निधन हो गया है। और ये दो तस्वीरें हमारे दर्शक टीवी स्क्रीन पर फिलहाल देख पा रहे हैं। जी वरुण जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं, दो तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जिस तरह से एक तो पीएम मोदी की भाई की आवाज की ये देख रहे हैं जिसमें हीराबेन की पार्थिव शरीर रखा गया है, दूसरी तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं पीएम मोदी जब एयरपोर्ट आए थे। इस वक्त की भावुक ये पल है। तो चलिए पीएम मोदी ने क्या कुछ ट्वीट किया है अपने मां के निधन पर, आपको वो भी दिखाते हैं। पीएम ने लिखा है, शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में, मां में मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्म योगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। शानदार शताब्दी का ईश्वर, पीएम मोदी की तरफ से ट्वीट किया गया है। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, दो तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, एक तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कि पीएम मोदी एयरपोर्ट पहुंचे, पहुंचने के बाद वो अपने मां से, जहां अपनी मां की शव को रखा गया है, जहां अपने भाई के घर पहुंचते हुए, तो वही दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं पीएम मोदी की भाई, जहां उनकी मां की पार्थिव शरीर को रखा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर है, सुबह 3:30 हीराबा ने अंतिम सांस ली है। सौ साल की उम्र में हीराबा ने अंतिम सांस ली है। पीएम मोदी और कई और बड़े दिग्गज नेता ट्वीट कर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ ही देर में गांधीनगर से अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। कई दिग्गज नेता पहुंच रहे हैं, नेताओं के पहुंचने की सिलसिला भी जारी है, तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं। कुछ ही देर में गांधीनगर से यात्रा भी निकाली जाएगी। आपको बता दें कि पीएम मोदी के लिए काफी भावुक पल है, तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं पीएम मोदी मां को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दिख रहे हैं। हीराबा कई मौके पर ऐसा हुआ कि पीएम मोदी के साथ, और हर तरफ से शोक संदेश आ रहे हैं और तो तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं कई बड़े नेता, कई दिग्गज नेता पीएम मोदी। एक बार फिर से हमारे समाचार संपादक वरुण गोयल जी जुड़ चुके हैं। वरुण जी, अंतिम यात्रा निकाली जा रही है।
हमारे समाचार संपादक वरुण गोयल जी जुड़ चुके हैं। वरुण जी, जिस तरह से अंतिम यात्रा निकाली जा रही है, तस्वीरों के जरिए हम देख रहे हैं। देखिए, अंतिम यात्रा अभी शुरू होनी है और क्योंकि जैसा हम जानकारी दे रहे थे कि प्रधानमंत्री के वहां पहुंचने का इंतजार था, प्रधानमंत्री तय समय से वहां पहुंच गए हैं और अब से बस कुछ ही देर में जो अंतिम यात्रा है वो निकलेगी। अभी तमाम नेता हैं, उनके उनके तरफ से जो हम कह सकते हैं जो संवेदनाएं हैं वो व्यक्त की जा रही हैं। और क्योंकि हम जानकारी दे रहे थे कि यहाँ से जो सेक्टर 30 का शमशान घाट है वो 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर बताया जा रहा है और वहां पर प्रधानमंत्री पूरा परिवार जो है वो वहां पहुंचेंगे और फिर ये और ये तस्वीरें सामने इस वक्त हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, जो परिवार है वो इस वक्त और यहीं से ये जो अंतिम यात्रा है वो प्रारंभ हो गई है। और प्रधानमंत्री ये सबसे दुखदायी होता है, अपनी अपनी माँ को कंधा देते हुए जाना, अंतिम यात्रा पर लेकर जाना, जिस माँ को लेकर प्रधानमंत्री इतने अटैच रहे। और ऐसी वर्ष में 2-3 बार तस्वीरें आती रही, चाहे प्रधानमंत्री का अपना जन्मदिन हो या कोई और अवसर हो या जब भी दिल्ली आने के बाद, क्योंकि जीवन भर गुजरात में बिताया और जो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे साल 2000 से 2014 तक, और उसके बाद जब दिल्ली आए तो वो क्षण याद है जब वो बड़े भावुक थे और क्योंकि उन्हें गुजरात छोड़ना था, लेकिन उसके बाद जब भी गुजरात जाने का उन्हें अवसर मिलता वो अपनी माता जी से मिलते थे। लेकिन अब ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जब वो अपनी माता जी की अर्थी को कंधा देते हुए अंतिम यात्रा पर लेकर जा रहे हैं। और बहुत ही सामान्य सी एक स्थिति जो और क्योंकि जो साधारण सादगी पूर्ण जीवन हीराबा ने जिया, उसी सादगी से उसी मतलब कोई ऐसी विशेष कोई VIP व्यवस्था दिखे ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा, उन्हीं साधारण स्थिति में एक अंतिम यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ इस वक्त चल रही है। और प्रधानमंत्री हमने देखा सबसे आगे कंधा देते हुए नजर आए और ये उससे पहले की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, यानी कि अंतिम यात्रा है वो प्रारंभ हो चुकी है। और ये जो घर है गांधीनगर स्थित उनके छोटे भाई पंकज मोदी का घर, वहां से अंतिम यात्रा निकल चुकी है। दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हमारे दर्शक देख पा रहे हैं इस वक्त, एक जब प्रधानमंत्री अहमदाबाद पहुंचे थे, भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री वहां पर साथ साथ मौजूद नजर आए, और वहीं ये दूसरी तस्वीर हमारे दर्शक इस वक्त वो देख रहे थे जब अंतिम यात्रा पर उनकी माता निकल चुकी है अंतिम सफर पर हीराबा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और यहाँ से जो अर्थी को कंधा दिया गया उसके बाद अब वाहन में उन्हें वो उनके पार्थिव देह को रखा जा रहा है, जहां से उन्हें सेक्टर 30 स्थित जो शमशान घाट है वहां पर ले जाया जाएगा। तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद हैं और ये अंतिम यात्रा की तस्वीरें हैं, हीराबा के अंतिम यात्रा की तस्वीरें। पार्थिव देह यहां से ले जाई जा रही है सेक्टर 30 स्थित जो शमशान भूमि है वहां पर, जहां उनकी पार्थिव देह पंच तत्व में विलीन हो जाएगी, उन्हें यहां से विदा किया जाएगा। आज सुबह तड़के ये खबर आई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा नहीं रही और एक संघर्षपूर्ण और उसके बाद एक कामयाब जीवन जो है उसका इस तरीके से समापन हुआ है। प्रधानमंत्री को आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री इस वाहन के भीतर जहां पार्थिव देह उनकी माता जी की रखी गई है उसमें वो खुद भी बैठ गए हैं अंतिम सफर पर माँ के साथ, वो इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं सत्यव्रत जी, आज ये पीएम मोदी के लिए काफी भावुक पल है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए खुशबू जी, आज सबके लिए, देशभर के सभी देशभक्तों के लिए, सभी नागरिकों के लिए एक भावनात्मक दिन है कि अपने 100 वर्ष की यात्रा पूरी करके माता जी परलोक की ओर पधारी हैं। माननीय मोदी जी के लिए तो व्यक्तिगत रूप से ये है ही, क्योंकि वो सर्वाधिक स्नेह प्यार माता जी का उनको मिलता था और उनका अगाध श्रद्धा माता जी के प्रति समय समय पर प्रस्फुटित होती थी, इसलिए हम सबके लिए भी भावनात्मक रूप से आज का दिन बहुत ही गमगीन का है।
हालांकि उन्होंने अपने 100 वर्ष की यात्रा पूरी की और मनुष्य जीवन में 100 वर्ष पूरे करने की एक इच्छा परमात्मा से सब लोग क्या करते हैं, ऐसा परमात्मा ने भी और उन्होंने भी अपने जीवन की इस स्थान को प्राप्त किया है। मैं भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि वो उनको अपने चरणों में स्थान दे और इस परिवार को इस दुख की घड़ी में इस दुख को सहन करने के लिए साहस और धैर्य प्रदान करें। हम सब के लिए आज एक बहुत ही गमगीन का विषय है जी। मैं पुनः एक बार माता जी को उनके चरणों में नमन करता हुआ अपने श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। सत्यव्रत जी, जिस तरह से पीएम मोदी को देखा गया है कि हर जो भी कुछ ऐसा उनका अवसर मिले या फिर कभी अपने बर्थडे का टाइम वो अपने माँ से मिलने जाया करते थे जी, हमेशा उन्होंने एक नियम जी। सत्यव्रत जी, वरुण गोयल बोल रहा हूँ मैं। ये तस्वीरें सामने आई है, 100 वर्ष का एक जीवन जिसमें इतना संघर्ष रहा, जिसका जिक्र अक्सर प्रधानमंत्री करते थे, वो संघर्ष से लेकर के एक सफल जीवन भी, जो कि उनके पुत्र देश के सबसे लोकप्रिय शख्सियत में से एक बने, उसका अवसान हो जाना, इसे इससे किस तरह से देखा जाए? संघर्ष से लेकर सफलता तक सब कुछ उनके जीवन में आई। देखिए वरुण जी, एक माँ को अपने बेटे को देखकर जो अनुभूति होती है वो माँ ही समझती है, और आज उनका बेटा न केवल भारत में की राजनीति को बल्कि विश्व की राजनीति को प्रभावित करने वाली एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपनी माँ के दूध को वो कहते हैं कि सिद्ध किया है। और माता जी का संघर्ष का जीवन रहा, लेकिन संघर्ष के बाद जो सफलता प्राप्त होती है तो व्यक्ति को एक संतुष्टि होती है, और निश्चित रूप से माता जी के देवालकन परलोक गमन के समय उनकी जो इच्छाएं रही होंगी परिवार के सदस्य। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। ज्ञानचंद जी, जिस तरह से हीराबा का निधन की खबर आई है, ये भावुक पल है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बड़ा दुखद समाचार है। मैं समझता हूँ कि माता जी का जाना जी हमारे लिए, पूरे भारतीय जनता पार्टी के परिवार के लिए और पूरे देशवासियों के लिए, क्योंकि वो एक प्रेरणा का स्रोत थी जी। जिस प्रकार से उन्होंने संघर्ष किया और संघर्ष का जीवन व्यतीत किया, और संघर्ष करने के पश्चात जैसे नरेंद्र मोदी जी जैसे एक ऐसे नेता कहूँ, कार्यकर्ता कहूँ या समाज सेवक कहूँ, ऐसे समाज सेवक का जिस प्रकार से देश की सेवा को समर्पित किया, हम सब देशवासियों के लिए आज बहुत दुख का विषय है। मैं उनके चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। वैसे तो भगवान जिस प्रकार से उन्होंने सेवा की है, जिस प्रकार से सादा जीवन व्यतीत किया है, जिस प्रकार से उन्होंने गरीबी के अंदर भी रह करके भी कभी मानवता से, मानवीय मूल्यों से समझौता नहीं किया, चाहे जितना मर्जी संघर्ष करना पड़ा हो, ये हमारे लिए एक बहुत ही प्रेरणादायक है। मैं समझता हूँ कि किसी भी घर से माता का चले जाना एक वट वृक्ष का जैसे गिरना होता है वो है, क्योंकि माता ही पूरे परिवार को संजो करके इकट्ठा रखती है। माता अपने परिवार के सुख दुख की, मैं कहूंगा कि एक आस्था होती है सब पूरे परिवार की, कि जहां पर उनको शांति मिलती है। तो मैं उनके चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ज्ञानचंद जी, एक प्रश्न ये भी है कि जिस सादगी की आप बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कुछ दिन पहले लिख रहे थे कि आज भी अगर वो कुछ खिलाती है तो रुमाल से उनका मुंह साफ करती है, यानी बच्चे कितने ही बड़े हो जाए माँ के लिए बच्चे ही रहते हैं, और वो सादगी भरा जीवन अंतिम यात्रा में भी दिखा कि बिल्कुल सादगी से उनकी अंतिम यात्रा निकलती हुई दिखाई दे रही है। मैं देखता हूँ, मैं समझता हूँ कि जो आपने कहा कि जो बच्चे के प्रति प्रेम है, वो बच्चा कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, माता के लिए तो वो बच्चा ही रहता है। और जो एक उस जो रुमाल के पोछने की बात करते हैं, उससे उनका बच्चों के बच्चे के प्रति स्नेह, बच्चे के प्रति प्यार, वो दिखाई देता है। और मैं समझता हूँ कि ऐसी माता जिसने हमें एक ऐसे सपूत को
जन्म दिया जो आज देश का नहीं पूरे विश्व का नेतृत्व कर रहा है। मैं फिर से उनके चरणों में नमन करता हूँ। जी ज्ञानचंद जी, हालांकि ये बड़ा दुखद पल है, उससे बहुत ज्यादा बात करने की स्थिति होती नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि 100 वर्ष की उम्र शतायु, लेकिन जिस सोसाइटी में हीराबा रहती थी वहां की औरतें गमगीन हैं, अपने आंसू पोंछ रही हैं, भजन कीर्तन कर रही हैं, यानी उन्होंने अपनी एक अलग जो पहचान बनाई लोगों के बीच वो दिख रहा है। सोसाइटी की औरतें जिस तरह रोती हुई नजर आ रही हैं, ये तस्वीरें अपने आप में बताती हैं कि उनका अपना एक बड़ा व्यक्तित्व रहा। मैं तो समझता हूँ कि ये केवल उनकी सोसाइटी की बात नहीं है, आज पूरा देश की जो माताएं उनसे, उनके जाने से, उनकी उनसे जो उनकी कार्यशैली रही है, उनका जो व्यवहार रहा है, उनसे जो प्रेरणा मिलती है, मैं समझता हूँ कि माताएं और उस सोसाइटी के लोग तो निश्चित तौर पर दुखी हैं, लेकिन आज मैं समझता हूँ कि पूरा देश जो है उनके जाने से गमगीन है, उनके जाने से दुखी है। और ऐसी माता जिस बच्चों को मिल जाती है, मैं समझता हूँ कि बच्चों का जीवन वैसे ही सफल हो जाता है जिसने अपने परिवार के लिए, समाज के लिए एक उदाहरण पेश किया। आज बेटे का प्रधानमंत्री होते हुए भी उनका वहां से अलग रहना, एक सादा जीवन जो शुरू से व्यतीत करती आई है, उस सादे जीवन पर चलते रहना और भगवान की स्तुति में, भगवान के चरणों में अपनी वंदना करते रहना, ये इस बात का संकेत है कि व्यक्ति अपने गुणों से महान होता है, व्यक्ति अपने चरित्र से महान होता है, व्यक्ति अपने जो कार्यों से महान होता है। जो जिस प्रकार से उन्होंने समाज को एक संदेश दिया, सादगी का संदेश, प्यार का संदेश और एक नम्रता का संदेश, वो हमारे लिए सबके लिए प्रेरणा है। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानचंद गुप्ता जी, आपने अपने विचार हमारे साथ साझा किए। तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी माता जी को कंधा देते हुए नजर आ रहे हैं अंतिम यात्रा पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ हीराबा और अपने कुछ क्षणों में सुशील देरी ने सेक्टर 30 के शमशान घाट यात्रा पहुंचेंगी, जहाँ पंचतत्व में हीराबा विलीन होंगी और देश भर के जो नेता है वो अपने अपने विचार इस अवसर पर, इस दुखद घड़ी पर प्रकट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वरुण जी हमारे साथ आप बने रहिए, तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं अंतिम यात्रा पर हीराबा।